नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम शतक का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, राजेश पायलट की सजा उनके बेटे को दी, जिसने कांग्रेस के परिवार के खिलाफ बोला वो मरा समझो, और राजस्थान में कभी गहलोत सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, जेब कतरा अकेला नहीं आता, तीन लोग आते हैं, ध्यान भटकाने वाले मोदी, जेब काटने वाला डांडी और लाठी मारने वाला अमित शाह। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा बोले, इंदिरा की जयंती पर भारत वर्ल्ड कप हारा, बीसीसीआई से रिक्वेस्ट फाइनल तब करवाएं जब नेहरू गांधी परिवार का जन्मदिन ना हो। पंजाब के गुरुद्वारे में निहंग सिख की गोलीबारी, एक पुलिसकर्मी की मौत, तीन घायल। करिश्मा तन्ना के पति वरुण बंगेरा और अभिनेता समीर कोचर, 1.3 करोड़ की धोखाधड़ी, बिल्डर पर आरोप, केस दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मनसी की चेतावनी, मुंबई में दुकानों के बाहर 4 दिन में लगाएं मराठी साइन बोर्ड, वरना मनसी का एक्शन देखना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत अमेरिका सुरक्षा सहयोग पर चर्चा में यूएस ने साझा किए अपराधियों और आतंकियों से संबंधित इनपुट। बीजेपी ने बदला सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैकग्राउंड पोस्टर, राम मंदिर उद्घाटन की तारीख के साथ लगाई तस्वीर। फिक्र मत करो, हम जल्द मिलेंगे, उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों ने अपने परिवार वालों से की बात, बच्चे कर रहे लौटने का इंतजार। पश्चिम बंगाल में रैली के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मिला निमंत्रण, रोक लगवाने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई पुलिस, जस्टिस राजशेखर मंथा की पीठ ने दी थी अनुमति। कल कर रहे थे चैलेंज, आज भीगी बिल्ली की तरह कर रहे हैं बात ओवैसी पर बीजेपी नेता जफर इस्लाम का तंज। राजौरी एनकाउंटर में 2 सैन्य अधिकारी और 2 जवान शहीद, मुठभेड़ अभी भी जारी, आतंकवादी घायल हो गए हैं और घिरे हुए हैं। पुलिस झूठ बोल रही है, मेरे पास वीडियो है कि स्टेज पर सीढ़ी चढ़कर वो आ रहे थे, ओवैसी ने पुलिस को धमकाने के मामले में दी सफाई। जालंधर में दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे 3रे दिन भी बंद, 10 बजे मीटिंग के बाद ट्रेनें रोकने की कॉल, गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर धरना। अंबाला में एयरफोर्स की प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन, आज और कल एयर शो, राइफल जगुआर के साथ आकाशगंगा और सूर्यकिरण टीम दिखाएंगे करतब। अलीगढ़ में 3 मंजिला कपड़े की दुकान शोरूम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। हरदोई में दबंगों के हौसले बुलंद, अधिवक्ता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, अधिवक्ता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कौसाम्बी में भ्रष्टाचार का बोलबाला, फूड इंस्पेक्टर ने ली रिश्वत, रिश्वत लेने का वीडियो आया सामने, मामला सराय अकेल थाना क्षेत्र के कस्बे स्थित ओम डेयरी का है। कौशाम्बी में रेप पीड़िता के हथियारों से हुई पुलिस की मुठभेड़, मुख्य आरोपी के पैर में लगी गोली, मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी समेत 2 गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों पर दर्ज है हत्या।
लखनऊ में बिजली कर्मियों ने निकाली जागरूकता रैली। विधायक योगेश शुक्ला ने रैली को दिखाई हरी झंडी। एक मुश्त समाधान योजना को लेकर निकली रैली। अलीगढ़ में बैंक के मैनेजर ने किसान के साथ की अभद्रता। पीड़ित ने मुख्यमंत्री से की शिकायत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी आर्यावर्त बैंक मैनेजर ने शिकायत की है। औरैया में तेज रफ्तार का दिखा कहर। विद्युत ट्रांसफर से टकराई कार। टक्कर के बाद कार में लगी आग। पुलिस ने घायल चालक को अस्पताल में कराया भर्ती। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का मामला। नफीस बिरयानी और पुलिस में मुठभेड़। अतीक का गुर्गा है नफीस बिरयानी। 50,000 का इनामी है नफीस बिरयानी। आगरा में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में आगरा का जवान हुआ शहीद। लेफ्टिनेंट शुभम गुप्ता हुए शहीद। आतंकवादियों से सामना करते हुए प्राप्त की शहादत। अलीगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद। घर के बाहर खड़ी कार लेकर फरार चोर। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पीड़ित ने थाने में दी शिकायत। गोंडा कलयुगी बाप बना बेटी का हत्यारा। धोखे से मां बेटी को ले जाकर नदी में दिया धक्का। नदी में डूबने से विकलांग बेटी की मौत। लखनऊ में नशे में धुत कार चालक रेलवे लाइन पर ले पहुंचा कार। पुरानी रेलवे लाइन के बीचों बीच में फंसी कार। फैजाबाद अयोध्या रूट की ट्रेनें गुजरती हैं। लखनऊ में नगर निगम की गाड़ी से हुई घटना। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत। लखनऊ में बेल्जियम के राजदूत ने सीएम योगी से की मुलाकात। सीएम आवास पर बेल्जियम के राजदूत ने की मुलाकात। बेल्जियम के राजदूत के साथ प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था। लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में मनाया गया झंडा दिवस। डीजीपी ऑफिस सिग्नेचर बिल्डिंग में मनाया गया कार्यक्रम। पुलिस विभाग के सभी अधिकारी कार्यक्रम में हुए शामिल। लखनऊ में विकास प्राधिकरण की एक दिवसीय कार्यशाला। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यशाला। मुख्य सचिव मंडला आयुक्त रोशन जेकब सहित अन्य लोग रहे मौजूद। लखनऊ में रेल मंत्री ने साप्ताहिक ट्रेनों का किया शुभारंभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को दिखाई गई हरी झंडी। ट्रेन के संचालन के लिए एके शर्मा ने रैली में लिखा पत्र। लखनऊ में सीएम के निर्देश के बाद सिंचाई विभाग को आदेश जारी। सालों से जमे अभियंताओं का होगा स्थानांतरण। सालों से एक ही जगह जमे जेईई और एक्सईएन हटेंगे। लखनऊ में आतंकियों को ले जाकर एटीएस ने मारे छापे। वजीरुद्दीन समेत 5 संदिग्ध आतंकियों पर एक्शन। सभी को अलीगढ़ संभल ले जाकर मारे गए छापे। लखनऊ में अस्पतालों में लावारिस मरीजों के इलाज की होगी व्यवस्था। चलने फिरने में असमर्थ मरीजों को सहायक भी होंगे उपलब्ध। उत्तर प्रदेश में सभी अस्पतालों में कम से कम 7 बेड होंगे आरक्षित। लखनऊ में श्वेता श्रीवास्तव के बेटे की मौत का मामला। श्वेता श्रीवास्तव के बेटे के कोच पर भी FIR दर्ज। बिना अनुमति के पार्क के आसपास सिखा रहे थे स्केटिंग। लखनऊ में नगर निगम में सदन की विशेष बैठक। पुनरीक्षित बजट 2023-24 पर बैठक में चर्चा। बैठक में शहर की साफ सफाई पर भी होगी चर्चा। लखनऊ में ISI जासूसों की मिली फंडिंग के आरोप की रिमांड। वसीउल्लाह की 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर। राजधानी के राजाजीपुरम इलाके का है निवासी वसीउल्लाह। लखनऊ में 29 नवंबर को विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। प्रदेश सरकार पेश करेगी वर्ष 2023-24 का अनुपूरक बजट। सत्र का प्रस्तावित कार्यक्रम बुधवार को हुआ जारी। डिफेंस एंड स्पेस सहित सब विभिन्न सेक्टर के साझेदारी करेगा बेल्जियम। सीएम योगी से मिले राजदूत।
राजौरी में बलिदान कैप्टन शुभम गुप्ता को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, 50 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष को पुलिस ने किया नजरबंद, पीएम मोदी ने के आगमन का विरोध करने का किया था ऐलान। बारह लाख दियो से रोशन होंगे काशी के 85 घाट, मिट्टी और गोबर के दियो से बढ़ेगी भव्यता। ईडी के संपत्ति जब्त करने के आदेश से नेहरू मंजिल के दुकानदार दहशत में, कॉम्प्लेक्स की 207 दुकानें जर्जर। मीराबाई की टिकट और लिफाफा जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांसद हेमा मालिनी प्रस्तुत करेंगे नृत्य नाटक। युवक को बुरी तरह पीटा फिर मुंडवाया सिर, बेबस युवती छोड़ने के लिए लगाती रही गुहार, युवक खुद को एक संगठन से बताते हुए गाली गलौज कर रहा था। मजदूरों का हौसला बनाए रखने के में काम आया फॉर्मूला और नोनाल्डिक्स ने रेस्क्यू की सराहना की, 12 नवंबर से फंसे मजदूरों ने किया ब्रश। प्रदेश में 119 महाविद्यालयों में रखे जाएंगे योग प्रशिक्षक, आउटसोर्सेस पर होगी तैनाती, शासनादेश जारी। गडकरी के मोर्चे पर उतरते ही खत्म हुआ बिखराव, रेस्क्यू ऑपरेशन ने पकड़ी सही दिशा। सरकार का बड़ा तोहफा, राजस्व परिषद में 58 पटवारी बने नायब तहसीलदार, नए तैनाती स्थल पर भेजा गया। बाबा रामदेव बोले नकली दवाइयां बनाने वालों को मिले आजीवन कारावास और मृत्युदंड, कई देशों में प्रावधान। दिल्ली से नैनीताल घूमने पहुंची महिला को टैक्सी चालक ने पीटा, आरोपी फरार, तलाश जारी। नैनीताल, पिथौरागढ़ और चमोली के सीडीओ बदले, कई डिप्टी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी ट्रांसफर, पिथौरागढ़ के सीडीओ वरुण चौधरी को हरिद्वार नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया। सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश में होगा 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश, उद्योगपति उत्तराखंड के ब्रांड इन्वेस्टर हैं। एमबीबीएस हिंदी पाठ्यक्रम लागू करने के लिए केंद्रीय प्रकोष्ठ और कोर कमेटी का होगा गठन, आदेश जारी। पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद बाबा रामदेव ने दी सफाई, बोले हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, कई डॉक्टरों ने समूह बनाया जो आयुर्वेद के खिलाफ प्रचार करता है। विकासनगर और सिरमौर में खनन के कारोबारियों के दो गुट आपस में भिड़े, जमकर हुई मारपीट, वाहनों ने शीशे तोड़े। दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को झटका, नहीं मिलेगा महंगाई भत्ता, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड की सीमा में हिमाचल ने जारी किया खनन का पट्टा, मामला कोर्ट में पहुंचा, न विभाग को पैरवी के लिए अधिवक्ता ही नहीं मिल पाया है। नए साल में मिलेगा पर्यटकों को तोहफा, टिहरी झील के फ्लोटिंग हट्स के बाद अब चलेगा हाईटेक क्रूज। चीन में फिर रहस्यमयी बीमारी, बच्चों से भरे हैं अस्पताल, WHO ने मांगी रिपोर्ट, मरीजों की लगी लंबी कतार।
यूएनएससी में फिलिस्तीनी राजदूत बोले गाजा में निकले स्थायी समाधान, इजरायली राजदूत ने कहा सीजफायर के बाद होगा हमास का काम तमाम। नेपाल में सुबह सुबह कांपी धरती, 4.5 तीव्रता के भूकंप के झटके किए गए महसूस, भारत ने भेजी राहत सामग्री की चौथी किश्त। बंधक समझौते को अंतिम रूप देने कतर जाएंगे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख, रिहा होने वालों की सूची में हत्यारे का नाम नहीं होगा। अमेरिका में भारतीय तीसरे सबसे बड़े अवैध अप्रवासी, प्यू की रिपोर्ट से खुलासा, इस देश में अवैध अप्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। हमास के साथ बंधकों की अदला बदली का इजराइल के मंत्री ने किया विरोध, कहा पीढ़ियों तक हो सकता है नुकसान। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर किम जोंग की नजर, स्पाई सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें देखने का किया दावा, उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए इंजनों का परीक्षण किया। अमेरिका ने नाकाम की खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरुपंतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश, भारत को जारी की चेतावनी। इसराइल 300 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार, जारी की लिस्ट, इसराइल राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने अपना समर्थन व्यक्त किया है। बराक ओबामा के पूर्व सलाहकार का इस्लामोफोबिक बयान, कहा गाजा में अभी और बच्चे मरने चाहिए, स्टुअर्ट 2 हफ्ते से रेहड़ी पटरी वालों को परेशान कर रहे थे। जिरोधा के सीईओ नितिन कामत ने दी क्लाइंट्स को चेतावनी, 5 करोड़ रुपए ठगने की हुई कोशिश, फेक क्लोन ऐप से भी सावधान रहे लोग। जल्द आएगा भारतीय एयरटेल की सब्सिडियरी का आईपीओ, सरकार को 10,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। शेयर बाजार में हल्की तेजी, मिड कैप में बढ़त के दाम पर हरे निशान में हुए खुले सेंसेक्स पर निफ्टी। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को झटका, महंगी हो गई सीएनजी, जुलाई में कम हुई थी कीमत, अगस्त में भी बढ़ाए गए थे दाम। टाटा टेक के आईपीओ ने किया कमाल, पहले ही दिन 6.54 गुना तक हुआ सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर्स ने अपने रिजर्व कोटे को 9.30 गुना तक सब्सक्राइब किया है। सीआईआई ने कहा इनकम टैक्स रिफंड मिलना हुआ आसान, नहीं भरना पड़ रहा है ज्यादा टीडीएस। छाछठ 1,000 अंक के पार निकला सेंसेक्स, दूसरे दिन भी फायदे के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, आईटी शेयरों की रैली बरकरार। टाटा टेक के आईपीओ पर टूट पड़े इन्वेस्टर, 1 घंटे से कम समय में हुआ पूरा सब्सक्राइब, टाटा समूह 2 दशकों के साथ बाद पहली बार कोई आईपीओ लेकर आया है। गौतम सिंघानिया के ट्रस्ट बनाकर क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रस्ताव, नवाज ने ठुकराया, 75% मांगा था हिस्सा। स्विगी और जोमैटो को 750 करोड़ का जीएसटी नोटिस, डिलीवरी चार्ज पर टैक्स न भरने का आरोप। ऑस्ट्रेलिया पर टी20 में टीम इंडिया का पल्ला भारी, विशाखापट्टनम के लिए सूर्या के पास नया गेम प्लान, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को विश्व कप 2023 के फाइनल में हराया था। वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल 2024 में जलवा बिखेरेंगे ट्रेविस हेड, 2023 में रहे थे अनसोल्ड हेड, अब तक अपने क्रिकेट करियर में 104 टी20 मैच खेल चुके हैं।
रोनाल्डो का डाइट प्लान नासा के वैज्ञानिक सेट करते हैं। पूर्व पीसीबी अध्यक्ष रमेश राजा का चौंकाने वाला दावा, पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर की डाइट वैज्ञानिक सेट करते हैं। वर्ल्ड कप 2023 में जमकर हुए छक्के और शतकों की बरसात, 48 साल पुराने टूर्नामेंट में पहली बार बने कीर्तिमान। देवदत्त पडिक्कल को लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने किया ट्रेंड। लखनऊ सुपर जॉइंट्स स्टार गेंदबाज का दिया बलिदान। 2022 का आईपीएल देवदत्त के लिए खराब रहा था। वनडे में मोहम्मद सिराज से छीना नंबर वन का ताज कोहली। रोहित ने लगाई लंबी छलांग। शुभमन गिल अभी भी अव्वल। रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे। रिपोर्ट्स में चीफ सेलेक्टर अगरकर से बातचीत का दावा। टी20 वर्ल्ड कप के बाद से नहीं खेले। वर्ल्ड कप जीतने के बाद पैट कमिंस घर लौटे। आम यात्री की तरह ट्रॉली ले जाते हुए दिखे। टैक्सी के लिए लाइन में लगे। नैदिन के साथ नई शुरुआत करना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले सूर्य कुमार यादव ने कहा, यंग प्लेयर्स के साथ फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे। एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में राकेश कुमार ने 3 गोल्ड जीते। भारत ने कुल 9 मेडल के साथ टॉप पर फिनिश किया। दीपिका कक्कड़ ने अपने लाडले बेटे रुहान के लिए घर में बनाया है एक खास कॉर्नर। अपने हाथों से बनी चीजों को किया है तैयार। बेहद ग्लैमरस अवतार में दिखी आलिया भट्ट को लोग बुलाने लगे आलू जी। चिड़कर एक्ट्रेस बोली, ये क्या नया शुरू हो गया। कुछ भी खास नहीं तू जो पास नहीं। लेडी लव जैस्मिन भसिन को मिस कर रहे हैं एलिगो ने तस्वीर पोस्ट कर बयां की फीलिंग। एक्ट्रेस ने किया रिएक्ट। स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने तोड़ दी थी वरुण धवन की नाक। करण जौहर ने किया खुलासा। अंकिता मुझे इरिटेटिंग लगी, वो घर में निरूपा राय क्यों बनी हुई है। बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट को लेकर फराह खान ने किया रिएक्ट। बर्थडे पर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे कार्तिक आर्यन तो लोगों ने उड़ाया मजाक। बोले चंपू लग रहा है। एक्टर बेहद खुशी के साथ अपने फैंस से मिलते नजर आए। कार्तिक आर्यन के साथ करण जौहर का दोस्ताना झगड़ा खत्म करके धर्मा के ने अनाउंस कर दी है नई फिल्म। संदीप मोदी करेंगे डायरेक्ट। रिलीज से पहले ही शाहरुख खान का ऐलान, डंकी चलेगी हाउसफुल। फैंस ने कहा सोफा लेके जाना, सीट नहीं मिलेगी। रश्मिका रणवीर को तमिल सिखाती दिखी। इंडियन आइडल के सेट पर नजर आए। एनिमल का प्रमोशन शुरू हुआ। बिग बॉस 17 में आएगा मजेदार ट्विस्ट। जानवी कपूर सुहाना खान के बेस्ट फ्रेंड ओरी लेंगे शो में एंट्री। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।